मध्य प्रदेश के बीना में प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर यानी कि आज के दिन एक बार फिर सागर जिले में आने वाले हैं। बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से निवेश होने जा रहा है। इसमें 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जय जवान जय किसान चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कई बड़ी सौगातें का पिटारा खोल चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 14 सितंबर को पीएम मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं और पीएम बीना में स्थित बीपीसीएल में पेट्रोकेमिकल परिसर में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले निवेश का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही साथ अन्य बड़ी सौगातें भी मध्य प्रदेश के लोगों को दे सकते हैं। उनके साथ ही किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सौगात भी दे सकते हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का यह दौरा बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में इसके बाद यानी अक्टूबर में आचार संहिता लागू हो जाएगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस चुनाव को जीतने के लिए हर वर्ग को साधने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वो चाहे किसान हो, नौजवान हो, बच्चे हो, महिला हो या बुजुर्ग हो, सभी के लिए योजनाएं चला रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के आने पर यह खबर चल रही है कि पीएम मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं और किसानों के लिए भी कुछ बड़ी सौगातें देकर जा सकते हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि बीना पधार रहे पीएम मोदी सौगातों का पिटारा लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। उम्मीद है किसान भाइयों वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके अपनी प्यारी सी राय जरूर दीजिए।